जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और इसमें जो सैलरी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी है। तो मैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहले से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं तो उनसे मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और आपके लायक कोई भी जॉब आए तो जो उसमें अप्लाई करिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करने से पहले अपने घर में मशवरा ज़रूर कीजिएगा। किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर कोई भी कैटेगरी आपको पसंद आती है, आपकी प्रोफाइल मैच करती है, तो उसमें अप्लाई करने से पहले हमसे कॉन्टैक्ट करने से पहले घर में मशवरा कीजिए, उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत ही आप कॉन्टैक्ट करें तो अच्छा रहेगा एकदम मशवरा करने के बाद में, क्योंकि ऐसा होता है अगर 2-3 दिन के बाद में हम मशवरा करके कॉल करते हैं तो हो सकता है उस टाइम तक वैकेंसी क्लोज हो जाए। तो आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और ये सऊदी अरब से है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह फ़ोन पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़रूर इस वीडियो को बनिए बिना स्किप किए हुए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है आज वो है सऊदी अरब से, पूरी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसमें जो बर्गर ये जो काम रहेगा आपका रेस्टोरेंट का काम रहेगा और इसमें जो हमें चाहिए बर्गर फ्रेश मेकर चाहिए, ठीक है। आपको बर्गर बनाना आना चाहिए, यानी कि आपको उसके जो भी चीज़ है उसके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बर्गर के अंदर। अगर आप फ्रेशर हैं थोड़ा बहुत नॉलेज है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक आप फ्रेशर हैं इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ का आपको एक्सपीरियंस कोई नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। हमें बर्गर मेकर जो चाहिए, हमें 10 बंदे चाहिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी 10 घंटे की रहेगी। कंपनी आपका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो फूड रहेगा आपका सेल्फ रहेगा। सैलरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें जो एज होनी चाहिए आपकी 22 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर वाला बंदा नहीं चलेगा। और इसमें आपका एक लुकिंग जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश इसमें ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंग्लिश नहीं आती है तभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास में इंडियन एक्सपीरियंस हो या गल्फ का एक्सपीरियंस हो दोनों चलेंगे, लेकिन अगर आपके पास में गल्फ नहीं है, फ्रेशर हैं आप, तो गल्फ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इसमें आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास में इंडियन एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें जा सकते हैं, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो है सर्विस चार्ज अप्राइवेट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे जिमेल आई डी पर अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें जो ड्यूटी करनी रहेगी आपको 10 घंटा करनी रहेगी। 10 घंटा की सैलरी जो रहेगी आपकी बेसिक सैलरी वो रहेगी 1500 रियाल प्लस 300, यानी कि 300 जो मिलेगा आपको फूड को मिलेगा, 1500 बेसिक मिलेगा, यानी कि 1800 रियाल आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आपको आपको इसके अंदर नॉलेज है बर्गर में, अगर आप हैं, अगर इंडिया में आप बनाते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। 1800 रियाल बेसिक सैलरी आपकी, उसके बाद में आपको ओवर टाइम जो रहेगा लेबर लोग के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक रेस्टोरेंट का काम है और इसमें हमें सिर्फ 10 बंदे जाएंगे। जब तक 10 बंदे फुल नहीं होते तब तक ये हमारे पास काम चलेगा, उसके बाद में जब ये फुल हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो हमारी जिमेल आई डी पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजिएगा। आपके पास में पासपोर्ट का दोनों साइड का स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आपका CV और आपके पास में जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो ज़रूर भेजिएगा। इंडियन एक्सपीरियंस है आपके पास में तो सर्टिफिकेट होंगे वो भेजिएगा, और आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होंगे वो भी भेजिएगा, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स भेजें, सारे स्कैन करा के भेजने, जब भेजें तो सब्जेक्ट में ज़रूर लिखें किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ पता ही नहीं उनका कि किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स इसी तरह पड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट, ये भी हमारे पास में सऊदी अरब से रिक्वायरमेंट है और ये भी एक रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली फॉर गल्फ एक्सपीरियंस चलेगा। अगर आपके पास में गल्फ एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जा सकते हैं, और गल्फ का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में वो होना चाहिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
और इसमें जो सैलरी है काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आपके पास में 4-5 साल का गल्फ एक्सपीरियंस है तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट है। कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, और 8 घंटे की इसमें ड्यूटी है आपकी, प्लस ओवर टाइम जो रहेगा आपका लेवल लो के हिसाब से वहाँ की सऊदी अरब की वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे पास में जो वेटर का काम है, वेटर में आपका गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है 8 घंटे की वो रहेगी 2500 रियाल, और इसमें जो आपका स्काइप इंटरव्यू रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा 2500 रियाल आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और इसमें हमें 20 बंदे चाहिए, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें भी आप ज़रूर जा सकते हैं। और दूसरी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो है सी डी पी, इसमें हमें 4 बंदे चाहिए, और इसमें भी आपका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का होना ज़रूरी है। और इसमें जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, अगर आप इसमें भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, प्लस ओवर टाइम जो रहता है लेवल लो के हिसाब से वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें भी आपका स्काइप इंटरव्यू रहेगा, और इसमें बेसिक जो सैलरी आपकी वो है 4200 रियाल, यानी कि 4200 रियाल है, स्काइप इंटरव्यू रहेगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसमें जो भी लेना चाहते हैं तो वो आपको जब इंटरव्यू होगा तो वो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में आज ये 3 रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बात करी, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपकी प्रोफाइल से कोई भी जो मैच करती है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, हमारी जी मेल आई डी में मिल जाएगी, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको, कमेंट में आप नंबर बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट में नंबर न छोड़ा करें, क्योंकि वहाँ से आपका नंबर कोई भी उठाकर आपको कॉल कर सकता है, और किसी भी तरह का आपको साथ में अगर किसी भी तरह का कोई गलत बिहेव होता है तो उसके जिम्मेदार ना ही हम होंगे ना ही हमारा चैनल, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी, और कमेंट में नंबर ना छोड़ा करें प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं इसी तरह की आपके सामने रिक्वायरमेंट लेकर आऊँ, आपकी प्रोफाइल से मैच करती हो तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।